अस्सलाम वालेकुम व्यूअर व्यूअर आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये है FDT फील्ड डेंसिटी टेस्ट। ये सैंड कोन या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से करवाते हैं, ठीक है। इसमें अपने तीन चीज़ें साइड पे नोट करनी है। सबसे पहले देखो, फुल बोतल या बिफोर बोतल 83-68, यही वेट नोट करना है। फिर क्या होगा, दूसरा स्टेज आते अपने ये कड़ा लगाना है होल, ये जितने तिकने साफ जो लेयर के होते हैं ना, मतलब इतना आपने करना है, 6 इंच 5.5, तो ये निज़ाम चलता है, ठीक है। इसको गोल बना के सही, तो फिर इसको साफ करके जो दूसरा वेट होगा, इससे जो माल निकलेगा इसको वेट ऑफ मटेरियल कहते हैं, या वेट ऑफ साइल भी कह सकते हो। तो इसमें एक लास्ट जो स्टेज है ना, इसके ऊपर वही भरा हुआ बोतल आपने इसके ऊपर ही लगाना है। फिर क्या होगा, आपने इसके ऊपर आपने छोड़ना है, ये देखो दूसरा वेट ऑफ मटेरियल जो इनसे निकला था, या साइल भी कर सकते हो, ठीक है। अब वो भरा हुआ बोतल हमने इसके ऊपर लगा दी, ये देखो खाली हो गया, खाली जो कड्डा मारा था वो, और नीचे नीली कलर का जो है कौन ये वाला, ये दोनों भर गए, ठीक है। इसको कौन वेट कहते हैं वो भी हमने कैलकुलेशन में यूज़ करना है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये कौन है, ठीक है। जब ये उठा देते तो नीचे स्क्रीव लगे हुए इसके, आप वीडियो में देख सकते हो, ये बंद करने, वरना ये देखो ये स्क्रीव है इसके, ये बंद कर दे, ठीक है। ये ऊपर जो रेत पड़ा है ना, ये माइनस करने कैलकुलेशन में, वेट ऑफ सेंड इन कोने में इसलिए चाहिए। ये आफ्टर वेट है, ठीक है। तीन वेट हमने ले लिए, बिफोर वेट, एक आफ्टर वेट, एक मटेरियल। तो फिर आगे हम देखते हैं कैलकुलेशन में। तो ये जो नीचे सेंड पड़ा ये वाला जो साफ कर, इसके लिए हम सीवे यूज़ करते 30 और 16, ठीक है। 16 रिटेन पास और 30 रिटेंट, तो यही रेट यूज़ होगा इसमें। ये कैलकुलेशन है, ये गिवन डेटा है, लैब में से पहले से हम कर लेते हैं। यूनिट वेट, वेट ऑफ सेंड इन कोन, वो जो नीली कलर का था, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या फ्रैक्टर भी इसको कहते हैं, ये गिवन है पहले से। फिर क्या होगा, फुल वेट, फिर वेट ऑफ मटेरियल, फिर हाफ बोतल जो आफ्टर था, क्या करना है, फुल से हाफ दोबारा माइनस करके जो सेंड वेट है ना 15-17, ये होल और कोन में जो वजन था वही है। तो आपने करना क्या है, जो कोन का वज़न है 16-30 से, ऊपर वाले से माइनस करते वेट ऑफ सेंड इन होल आ जाएगा। तब देख सकते हो आगे इन वॉल्यूम यूनिट वेट पे डिवाइडेड करना है, फार्मूला आपने देख लिया होगा। वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी क्या करना है, वेट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, फिर MCA, फिर क्या होगा ड्राई डेंसिटी, वेट डेंसिटी MC प्लस 100 ज़रबे 100। तो आप इसमें देख सकते हो इंतहाई इजी और सिंपल कैलकुलेशन है। फिर कंपेक्शन है, ड्राई डेंसिटी तकसीम लेप्रैक्टर ज़रबे 100, तो बस यही।